हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कार्यालय कलेक्टर से एक सीधी भर्ती फिक्का का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और इस भर्ती फिक्का में 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं, आपको विकास सहायक की वैकेंसीज मिलेगी, लेखपाल की वैकेंसीज मिलेगी, सहायक ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज, चपरासी सफाई वाला, यानी कि बम्पर वैकेंसियों का एक नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। तो इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार की जॉब रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है। तो सबसे पहले एक नंबर पे आपको नेम ऑफ पोस्ट बताइए, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की यहाँ वैकेंसीज मिल रही है। लेवल 11 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा 9300 से लेकर 34800 और 3800 आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। यदि बात की जाए प्रारंभिक वेतन की तो यहाँ आपका वेतन रहेगा 31000 के समथिंग आपका इसमें वेतन रहेगा प्रारंभिक। इसके बाद सेकंड वैकेंसीज आपको जूनियर अकाउंट की मिल रही है और इसमें लेवल जो लेवल 10th के अनुसार वेतन मिलेगा ये आपका इसमें ग्रेड पे लेवल रहने वाला है। इसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आपको मिल रही है 3 नंबर पर, आप देख सकते हो लेवल 9 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा। LDA की वैकेंसीज मिलेगी 4 नंबर की वैकेंसीज है, लेवल 9 के अनुसार वेतन मिलेगा 9300 से लेकर 34000, यानी कि ग्रेड पे में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। और ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है, आप देख सकते हो ये भी ग्रुप सी है और ये भी ग्रुप सी है। इसके बाद 5 नंबर पे आपको डिस्पैचर की वैकेंसीज मिल रही है, इसके लिए लेवल 9 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसीज हैं और इसके बाद यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी ग्रुप सी की और एक वैकेंसीज ड्राइवर, इसमें भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी कि रिकॉर्ड जो है कलेक्टर है और ड्राइवर, ये आपकी यहाँ तक वैकेंसीज है ग्रुप सी की। अब 8 नंबर के बाद जो वैकेंसीज आपको मिल रही है आप देख सकते हो, प्रथम आपकी यहाँ आप देख सकते हो 8 नंबर पे आपकी ये प्रोसेसर सर्वर की, तो ये आपकी इसमें लेवल 6 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। ग्रुप डी की वैकेंसीज है, आपको अच्छा खासा वेतन मिल रहा है 5200 से लेकर 20200, ग्रेड पर आपको 2400 मिलेगा। इसके बाद ये पियोन की वैकेंसीज है 9 नंबर पे और इसमें आपको लेवल 5 के अनुसार वेतन मिलेगा 5200 से लेके 20200, ग्रेड पे आपको 2300। ये ग्रुप डी की वैकेंसीज है। स्वीपर की वैकेंसीज आपको मिल रही है 10th नंबर पर, 10th नंबर पर आपको स्वीपर की वैकेंसीज मिल रही है। और इसके बाद चौकीदार की वैकेंसीज मिल रही है, लेवल 5 के अनुसार वेतन मिलेगा, ग्रेड पे 2300 मिल जाएगा, मालिक की है। और इसके बाद ये काफ़ी सारी वैकेंसीज है, इसके बाद रेजिडेंटली और जो ऑर्डरली है इसकी भी वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो ये निम्न प्रकार की वैकेंसीज आपको मिल रही है। अभी हम बात करेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक फॉर्म चलेगा। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ आपको अलग अलग बताई गई है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बताया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd के लिए आपको बताया है बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है और इसके बाद आपका जो इसमें रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगी और आपका इंटरव्यू होगा, ये आपका इसमें सिलेबस है। तो सिलेबस भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको जूनियर अकाउंटेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री बताई है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं, बैचलर डिग्री है, LDA की बैचलर डिग्री है और जो डिस्पैचर की वैकेंसीज इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री है। ड्राइवर के लिए आप देख सकते हो आपकी यहाँ से 8वीं पास के लिए जो वैकेंसीज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ड्राइवर के लिए यदि हम बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और ड्राइविंग टेस्ट फॉलोड बाय वीवा वॉइस, यानी कि आपका इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत इंटरव्यू होगा, नॉर्मली आपके वाहनों के नियम संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपके इसमें नंबर रहने वाले हैं। इसके बाद प्रोसेसर सर्वर के लिए केवल इंटरव्यू है, 8वीं पास है, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, आप देख सकते हो। पियोन के लिए भी 8वीं पास है, स्वीपर के लिए भी 8वीं पास है, चौकीदार 8वीं पास, माली 8वीं पास। तो ये प्रकार जो प्रत्येक प्रकार की वैकेंसीज हैं इसमें सभी में आपकी एग्जाम नहीं होगी, केवल आपको इसमें मेरिट बेस सॉरी यहाँ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। इसमें फिर ये बताया गया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें बताया है भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपकी इसमें जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे अभी ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो ये देख सकते हो इसका फॉर्म 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 19 नौ 2022 यानी कि 19 सितंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक फॉर्म आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा और आपकी एज की गणना भी लास्ट डेट से की जा रही है, 18 से लेके 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे,
यानी कि 19 सितंबर 2022 को आप कम से कम 18 और अधिकतम 40 वर्ष के हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। यदि आप भी ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको कंप्लीट जानकारी बताई गई है, यहाँ से आप ये डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं।